नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस टावर लिमिटेड के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बड़ी दुविधा है। इवन ट्रेडर भी दोस्तों बहुत दुविधा के अंदर है, क्योंकि अभी का जो इसका प्राइस है 137.80, जो उसके 52 वीक लो के आसपास चल रहा है दोस्तों। और टेक्निकली स्टॉक हमें बता रहा है कि हमें तो इसको बाई करना चाहिए। एफआईआई डीआईआई का डेटा कैसा है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस के ऊपर डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों, स्टॉक आज ओपन हुआ है 139.90 का, हाई बना है 140.15 का, लो है 136 का और क्लोज आया 137.40 का। यानी कि आप देखेंगे कि ये स्टॉक 52 वीक लो के आसपास तो है, बट डे लो के आसपास ही स्टॉक का कारोबार भी है, वहां से थोड़ा सा बाउंस बैक भी दिखा रहा है स्टॉक। अगर स्टॉक के ऊपर बात करें तो 5 दिन के अंदर 3.43% का डाउन साइड है, 1 मंथ के अंदर भी दोस्तों नेगेटिव रिटर्न दिया है 10% का, 6 मंथ के अंदर अगर आप देखा जाए तो 26.92% का है, 1 साल के अंदर 36% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो यानी कि 1 साल के अंदर इन्वेस्टर का वेल्थ डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है। अगर फंडामेंटल के ऊपर नजर डालें, कंपनी की लीडरशिप पोजीशन है दोस्तों, मार्केट शेयर ऑफ 33% का है। इंडस टावर का मार्केट कैप है 37,028 करोड़ का है। स्टॉक का पीए 113.5 का, बुक वैल्यू 76, आरओसी देखिए बेहतरीन है 24.6%, आरओई क्या बोल रहा है 32.4%, फेस वैल्यू 10 का, डिविडेंड डील 8.01%। वाह, क्या जबरदस्त डिविडेंड डील देती है कंपनी। बट दोस्तों, रेवेन्यू की अगर बात की जाए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डाली जाए, सेल्स में कोरोना के बाद जब 5G की बात आई तो दोस्तों स्टॉक में जबरदस्त वृद्धि बनी और सेल्स इस बार हाईएस्ट हुआ 20,745 करोड़ का हुआ है। एक्सपेंस है 18,448 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 10,298 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 36%, जो लास्ट ईयर 54% था, तो बहुत ही कम कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा कम हुआ है। अदर इनकम नेगेटिव साइड हुई है, तो पहले दोस्तों 2,000 करोड़, 1,500 करोड़ के आसपास थी, तो अदर इनकम भी नेगेटिव है। इंटरेस्ट है 1,493 का, डेप्रिसिएशन है 5,369 का और नेट प्रॉफिट आपके सामने आ रहा है 2,469 का। ईपीएस में काफी डाउन साइड हुआ ड्यू टू अदर इनकम। डिविडेंड पे आउट दोस्तों हर साल काफी अच्छा दे रहा है, तो इस बार भी देना पड़ेगा स्टॉक को। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करें तो प्रमोटर के पास होल्डिंग दोस्तों कोरोना के टाइम में 53.51 थी, वो बढ़ के अभी 68.99 है, तो प्रमोटर ने गजब का बाई किया हुआ है। सामने एफआईआई ने अपना होल्डिंग वैसे ही कम कर दिया है और डीआईआई का भी होल्डिंग कम है। लास्ट क्वार्टर में एफआईआई ने अपना होल्डिंग थोड़ा सा कम किया का बढ़ाया है, डीआईआई ने थोड़ा सा कम किया है दोस्तों, तो वो सिलसिला जारी है। और अदर जो पब्लिक के पास होल्डिंग है वो 1.50% का होल्डिंग है दोस्तों। तो फंडामेंटल्स तो दोस्तों ठीक है, अब टेक्निकल के लिए दोस्तों हम एंजल वन की ऐप में जाएंगे दोस्तों। इन एंजल वन होम पेज वी जस्ट क्लिक ऑन इंस्टा ट्रेड और आपके सामने दोस्तों प्लस बटन आ जाएगा, आपको सर्च करना है स्टॉक इंडस टावर लिमिटेड। इंडस टावर लिमिटेड एनएससी बीएससी पर लिस्ट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में अवेलेबल है। हम एनएससी के ऊपर क्लिक करेंगे और हम डेली चार्ट के ऊपर इंडिकेटर सेक्शन में बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है। हमने वॉल्यूम बार सिलेक्ट किया है एंड आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो इंडिकेटर है उसका वैल्यू 26.47 है, बिलो 30 ओवरसोल्ड जोन है, ओवर 70 ओवरबोट जोन है। अब ये स्टॉक में आप देखेंगे कि लास्ट टाइम जब ओवरसोल्ड जोन में डीप हुआ था उसके बाद जो लेवल था 135.40 का, वहाँ से दोस्तों स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया था 175 तक के दिखाए थे लेवल। क्या इस बार भी वही होगा, डबल बॉटम बनाएगा या इसको तोड़ देगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम 135 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को एड ऑन कर सकते हैं क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे सामने दिख रहा है। हम बाइक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, डिलीवरी क्वांटिटी है, आप 100 क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डाल सकते हैं। मार्जिन रिक्वायर है 13,740 का, आप बाइक के ऊपर क्लिक करके कन्फर्म बाई करके आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। मार्जिन 13,740 अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप इंट्राडे प्ले कर सकते हैं, जहाँ पे मार्जिन रिक्वायर है 2,748 का, आप कन्फर्म करके आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। ये हुआ दोस्तों कैश मार्केट में बात। ऑप्शन में करना हो तो क्या करोगे, आप ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सपायरी है 27 अप्रैल 2023 का, कॉल का डाटा है, पुट का डाटा है। 135 का लेवल बहुत ही अहम लेवल है हमारे लिए, कॉल में ओपन टेस्ट 2.5 लाख का है, 4.80 रुपीज़ का कॉल है, आप उसको बाय कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड इंट्राडे ऑर्डर आ जाएगा, एक लॉट साइज है, 1 लॉट साइज 2,800 क्वांटिटी, लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डाल सकते हैं। मार्जिन रिक्वायर है 13,440 का,
बाय के ऊपर क्लिक करके कंफर्म बाय करके आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। एक बार आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर लिया उसके बाद अपन रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हैं, ऑर्डर बुकिंग देख सकते हैं, ऑप्शन चेंज एनालिसिस देख सकते हैं, इंडेक्स टावर की तरह परसिस्टेंस सिस्टम और निफ्टी का चार्ट भी देख सकते हैं। तो इंस्टाट्रेड एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक ही स्क्रीन के ऊपर सब कुछ आ जाता है। आपको जरूर से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है और अभी तक आपने एंजल वन में फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाली हुई। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।